नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समस्त नारी शक्ति को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। नमस्कार, महिला दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में समानता प्रस्थापित हो, सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये हमारा कन्विक्शन है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हमारी बहनें भी आज समाज के सभी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। पायलट करके भी काम कर रही है, डिफेंस फोर्सेस भी काम कर रही है, इतना ही नहीं तो विज्ञान तंत्र विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्ट के रूप में भी काम कर रही है, पुलिस ऑफिसर के रूप में अच्छा काम कर रही है, IAS ऑफिसर के रूप में अच्छा काम कर रही है। और स्त्री पुरुष समानता, ये हमारा कन्विक्शन है। और मेरा विश्वास है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनको ताकत देना, उनको शक्ति देना और उनके अपने पैरों पर खड़ा करना। मैं MSME का मंत्री हूँ। मैं विशेष रूप से महिलाओं को अब सोलर चरखे की योजना देकर 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने के एक कार्यक्रम मैंने तय किया है। मेरा विश्वास है कि इस कार्य के लिए निश्चित रूप से हमारा देश आगे जाने के लिए महिलाओं को पूरी तरह से हमको शक्ति देनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए और उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए। और स्त्री और पुरुष में कोई असमानता नहीं है, हम सब समान हैं और हम मिलकर देश का विकास करेंगे, इसी भाव के साथ हम आगे जाएंगे। मैं महिलाओं को, हमारी बहनों को खूब खूब शुभेच्छाएं देता हूँ और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि महिला, हमारी बहनें ऐसा काम करेगी कि उनके नेतृत्व में हमारा देश दुनिया के सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महिला दिन के निमित्त सभी बहनों को मेरी खूब खूब शुभेच्छाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भारत की आर्थिक महाशक्ति विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए नागपुर से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। अपने सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। जागतिक महिला दिवस हा साजरा करत असताना महिला आणि मातृशक्ती यांचा सन्मान झाला पाहिजे, त्याचा हा उत्सव आहे। समाज सुदृढ व्हायचा असेल, समाज शिक्षित व्हायचा असेल, समाज पुरोगामी व्हायचा असेल तर या सर्व गोष्टी ही एका मातेच्या रूपाने महिलाच करत असते। समाजाकडनं खूप अपेक्षा असतात, पण त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचं उपकरण किंवा त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचं साधन जर काही असेल तर ती आमची मातृशक्ती आहे। जगाच्या पाठीवर प्रत्येक प्रगत देशाकडे जर आपण बघितलं तर त्या देशाने प्रगती तेव्हाच साधली ज्यावेळेस त्यांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये समाजातली दोन्ही चाकं जुडली। केवळ पुरुषांचं नाही, स्त्रियांचं चाक देखील जेव्हा अर्थव्यवस्थेला जुडलं त्यावेळेस अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, आर्थिक विकास झाला, सामाजिक विकास झाला आणि ते देश पुढे गेले। आणि म्हणून भारतामध्ये देखील मोदीजी असं म्हणतात की भारताला महाशक्तीमध्ये परिवर्तित करायचं असेल तर महिला सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून आपल्या आर्थिक विकासाचा दर आपण दुपटीनं वाढवू शकतो आणि त्यातनंच भारताला प्रगत करू शकतो। मातृशक्तीला, महिलांना, सर्वांना या ठिकाणी प्रणाम करतो। आज की खबरों में बस इतना ही। आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने देश प्रदेश और जिले की ताजा तरीन खबरें अपने ही मोबाइल पर रोज रात 9 बजे। नमस्कार।